अनु, मैं सोच रहा था कि जिंदगी भी हमें रोने की कितनी वजह देती है, लेकिन हम भी ढीठ हैं भाई, हम हंसने के बहाने ढूंढ ही लेते हैं। तो कल मैडम का बर्थडे है। बर्थडे विश क्या है? बर्थडे विश पता नहीं। ये भी कोई बात हुई? अरे जब परमेश्वर को बता सकती हैं, तो पति परमेश्वर को भी बता दीजिए। मेरी विश ये है कि सब कुछ इतना 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 अच्छा हो जाए कि भगवान से कुछ मांगना ही ना पड़े। अच्छा है, ये भी अच्छा है, very nice। ए, टूटा तारा। कहाँ? करेक्ट, लेट्स मेक अ विश। बस छोटी हमेशा हमारे साथ रहे। छोटी हमेशा हमारे साथ रहे, प्लीज। मैं तुम्हारी हंसी से समझ गया कि तुमने क्या मांगा। आपने भी वही मांगा? वही मांगा, वही। एक दिन मांगा था और एक दिन मिल पे गया, और ये एक दिन कुछ पल में ही बीत जाएगा और मुझे यहां से जाना पड़ेगा। ये सब अनुपमा के बर्थडे पे? याद तो तुझे भी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे प्रभु, मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना, हर दुख हर मुश्किल से उसे बचा के रखना। मम्मी को वीडियो कॉल करें? हाँ, कल रात की सिचुएशन पता नहीं कैसी होगी वहां पे, इसलिए मैंने रात में विश नहीं किया। सो अब सब मिलके विश करेंगे। बेचारी, जन्मदिन पे पति ने तोहफे में धोखा दे दिया, अब क्या खाक मनाएगी जन्मदिन? अगर अनुपमा को थोड़ी भी अकल होती ना, तो उस माया को कब का निकाल चुकी होती। माया को क्या, वो अनुज को भी निकाल देना चाहिए। अनुज ने भी तो गलती की, प्यार हो गया। अब प्यार कोई साबुन की टिकिया तो नहीं है कि उस पे पैर ऐसे गिरा और वो फिसल गए। ऐसे कैसे प्यार में कोई गिर सकता है? अरे कौवे भी कौं कौं करने के बाद थोड़ी देर शांति से बैठ जाते हैं, चुप होते हैं। लेकिन तूने तो चुप ना होने की कसम खा रखी है। खाली बर्तन ज्यादा आवाज करते हैं बापूजी। अच्छा, तू मुझे खाली बर्तन कह रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं बा, मैंने तो सिर्फ एक कहावत कही है। मुझे पता है तू मेरे और मेरे बेटे को खाली बर्तन कह रही है। हाँ तो पता है तो पूछ क्यों रही है? बेटा खाली बर्तन भी तभी आवाज करते हैं जब उन्हें कोई छेड़ता है। ये दोनों तो बिना छेड़ी आवाज करते रहते हैं। आज मम्मी का बर्थडे है, तो बिना बुरा सोचे बिना बुरा कहे हम उन्हें अच्छे से विश कर सकते हैं ना? हाँ प्लीज। और ये मम्मी का पर्सनल मैटर है, मम्मी समझदार है, स्ट्रॉन्ग है, वो खुद ये सब हैंडल कर लेंगी। तो यही तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता है कि अनुपमा सब कुछ अकेले हैंडल कर लेती है। हमें तो बात बात पे रोते रोते उनके घर जाना पड़ता है, और एक वो है जिसे कभी भी हमारी जरूरत नहीं पड़ती है। आजकल तो कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। आपसे ही तो सीखा है बाप। चुप कर। पाखी का मैसेज आया था, उसे और अधिक को अर्जेंटली किसी क्लाइंट्स को बाहर लेकर जाना पड़ा, तो वो हमसे बाद में मिलेंगे, तो अधिक मेरे साथ डॉक्टर के पास नहीं चल पाएगा। कोई बात नहीं बाप्स, फिजियोथेरेपी के लिए मैं साथ चल लूंगा, बस एक बार मम्मी को विश करके आ जाऊं। मैं भी चलती हूं फिर। कोई जरूरत नहीं है, या फोन पे या वीडियो कॉल में वो हैप्पी बर्थडे बोल दो। क्यों, मैं तो जाऊंगा। समर, अगर वहाँ की सिचुएशन अच्छी हुई ना तो प्लीज कॉल कर देना, मैं परी और काव्या मम्मी को सरप्राइज देने आएंगे। हाँ गुड आइडिया। बापूजी आप भी चलेंगे? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं आएंगे।
मतलब बधाई देने जाओगे और मुंह लटका के आओगे। चुप हो जा मेरी माँ, चुप हो जा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Anu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Anupama. Happy birthday to you. Thank you, thank you, thank you. Welcome, welcome, welcome. हमेशा खुश रहो अनुपमा। Thank you, भाई। Happy birthday! Many, many happy returns. Thank you, भाभी। Thank you. Happy birthday! रब जी आपको झोली भर भर के खुशियाँ दे। Thank you. हटो, हटो, मेरी chance. रे बाप रे। माली बेबली बेबली मोरी बेबली मोरी बेबली। हैप्पी बर्थडे मम्मी। थैंक यू। मैंने मम्मी पे एक ऐसे लिखा है, सुनाओ। अच्छा सुनाओ। मैंने हिंदी क्लास में पढ़ा था कि माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, पर मैंने जब भी चेक किया मम्मी के पाँव में तो चप्पल ही थी। हाँ तो स्वर कहाँ है? तो कहते मम्मी भगवान होती है, लेकिन मेरी मम्मी भगवान नहीं है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मेरी सुपर हीरो भी। ए जी जी रे। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मम्मी पापा से करती हूँ। मैं आपके बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। I love you, मम्मी। Thank you. I love you. I love you more. नहीं नहीं, I love you more. 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 I love you. अच्छा 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 अच्छा। I love you more. Okay okay, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, बस happy. मम्मी अब क्या? अरे हैप्पी बर्थडे बहुत से यार मम्मी। अरे आपने ही बनाया इतना सुंदर कार्ड मम्मी मेरे लिए? हाँ ये आपके लिए। ये डॉल मेरे लिए? यस ये मैं हूँ। और जब भी आप मुझे मिस कर रहे हो और मैं स्कूल जाऊँ या खेलने जाऊँ या किसी फ्रेंड के घर जाऊँ तब आप इसे जोर से हाथ कर लेना। ओह सो क्यूट। थैंक यू थैंक यू। ये डॉल बहुत सुंदर है। ये मैं खुद लाई हूँ माया की हेल्प से। थैंक यू। वैसे आज मम्मी के जन्मदिन पर मम्मी और पेपली दोनों साथ में रहेंगे पूरा दिन। सच्ची? हाँ हाँ क्यों नहीं, मतलब आज का पूरा दिन तुम्हारा है, पूरा दिन छोटी का। वैसे अब मेरे पास मेरी असली वाली डोल है, तो इस डोल को हम लोग उसके घर में रख देते हैं। तू आ जा मेरे पास वाली पेपली। हाँ ये भी सिर्फ तब के लिए जब मैं ना रहूं। ऐसा कभी नहीं होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा बेबी। कभी भी नहीं। चलो इसी बात पे फोटो लेते हैं। Yes. चलो लेट्स टेक सम सेल्फीज। लीजिए। माइल। ये माया इतनी काम कैसे है? मुझे भी इसकी खामोशी खटक रही है। कहीं ये तूफान से पहले की खामोशी तो नहीं? ब्रेकफास्ट टाइम। अनुपमा
आज अनुज और अंकुश ने तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं और बर्थडे का सारा डेकोरेशन मैंने किया है। थैंक यू भाभी। अरे चलो चलो, बहुत भूख लगी है, चलते हैं। हाँ, चलो, चलो, चलो। एक मिनट। अब तक मैंने अनुपमा को विश ही नहीं किया, आज कर लेती हूँ, पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले। क्यों, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे कोई बात नहीं बेटा, आंटी ऐसे ही बोल रही हैं। परफेक्ट फैमिली मोमेंट खराब किए बिना ये रहेगी थोड़ी। हैप्पी बर्थडे अनुपमा। थैंक यू। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे और तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। अब प्लीज आओ बैठो ना, प्लीज प्लीज सिट, प्लीज। मैं एक मिनट में आती हूँ। जन्मदिन पर आरती करना हमारा ट्रेडिशन है। जीवेत शरत शतम। बचपन में मेरे पापा मेरे हर जन्मदिन पर ऐसे ही मेरी आरती उतारा करते थे। यहाँ तो बुरी भला खुद ही आरती उतारी है। बस अब हट भी जाए। Happy birthday my rockstar mummy! Happy birthday! Happy birthday! Thank you, my rockstar bakuda. Happy yes, hallelujah! Hello. Hi, buddy. Welcome. घर से किसी का फोन नहीं आया तो मुझे लगा कि हमेशा की तरह सब भूल गए। अरे सरप्राइजिंगली इस बार सबको याद था। हाँ। बस किसी ने फोन नहीं किया क्योंकि यहाँ पे घर का माहौल, you know what I mean. सबसे बात करा तो रुको। एक मिनट, समर का वीडियो कॉल आ रहा है। हाय बाब्स, मम्मी से बात कीजिए। हैप्पी बर्थडे मम्मी। हैप्पी बर्थडे बेटा। जय श्री कृष्ण बापू जी। अने थैंक यू किंजू बेबी। अने थैंक यू तोसु। जन्मदिवस की शुभकामना। हैप्पी बर्थडे अनुपमा। थैंक यू, सबको थैंक यू। कहाँ है? हैप्पी बर्थडे मम्मी, वी लव यू सो 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 मच। हैप्पी बर्थडे मम्मी, विश यू अ वंडरफुल लाइफ अहेड। थैंक यू जवाई राजा, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे अनुपमा। भगवान करे तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। Always remember कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? Thank you. मम्मी वैसे आज आप घर पे हो या कहीं जा रहे हो? Actually हम लोग आने का सोच रहे हैं तो। हाँ मम्मी, आज personally मिलना चाहते थे आपसे। हाँ पर सुरी, लेकिन आज हम बाहर जा रहे हैं। सुरी। कोई बात नहीं मम्मी, हम बाद में आ जाएंगे। वहाँ सब ठीक तो है ना बेटा? ठीक छे बापूजी। बस मैं अपना जन्मदिन सादगी से मनाना चाहती थी। ये पार्टी वार्टी नहीं, बस सिर्फ परिवार के साथ। तो सॉरी। इट्स ओके मम्मी। तेरा जन्मदिन है बेटा, तू जैसे चाहे वैसा मना। बापूजी
वो क्या है ना कि आज मैंने अपनी गुड़िया से वादा किया है कि आज पूरा का पूरा दिन मैं इसके साथ बिताऊंगी। मुझे ना आप छोटी से जलन हो रही है, बट इट्स ओके, छोटी है वो तो चलेगा। बराबर स्वीटी। दिन छोटी के साथ बिताना और रात को अच्छे से रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर पे जाना अनुज के साथ। हाँ, और हम आपसे कल मिलने आएंगे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। लव यू। थैंक यू अने जय श्री कृष्ण। आओ जो। पापा वैसे हम कहाँ पे जाने वाले? मतलब मैं बता सकता हूँ बच्ची आपको, लेकिन मुझे मना किया गया है। मुझे आपकी मम्मी से मार थोड़ी खानी है। मैं आपको मारती हूँ, कुछ भी कहते नहीं। देखिए ना बाबा, वैसे ये आपके लिए सरप्राइज है। गुड गुड, इट्स गुड टू कीप अ सीक्रेट। ना बता के जाना बेटर ही है। हैव अ गुड डे, एंजॉय। हाँ हाँ, आप लोग घूम के आओ, फिर शाम को हम सेलिब्रेट करेंगे। हाँ तो फिर आज का दिन यादगार बनाते हैं। मुझे लगता है ये औरत अपनी फितरत जरूर दिखाएगी। इसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। We'll have to keep an eye on her. सोचा था आज मम्मी को बता दूंगा, लेकिन घर का माहौल अजीब था इसलिए नहीं बताया। बट कल पक्का बता दूंगा हमने क्या डिसाइड किया। हाँ, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि हम एक दिन ऐसे मिलके अपनी शादी का फैसला ले रहे होंगे। उस हादसे के बाद मुझे भी ऐसा लगा जैसे जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन अनु मैम ने जिंदगी संभालने में मदद की और तुमने संवारने में। सच कहूं तो नन्नी के जाने के बाद मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा। पर देखो, लाइफ से बड़ी कोई और मिस्ट्री नहीं है। राइट, बट कम से कम एक मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई। माया जा रही है एंड थैंक गॉड। मुझे एक बात समझ नहीं आई, कल इतना कुछ हुआ और आज ये मम्मी की आरती उतार रही थी। वही तो, माया अचानक इतनी अच्छी बन रही है, अब तो डाउट हो रहा है यार। रब करे हम गलत हो और सब कुछ अच्छा हो। मम्मी अब तो बता दो हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। कहाँ नहीं, सरप्राइज है। पापा आप तो बताओ कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। अरे मैं बता देता लेकिन मुझे मार नहीं खानी मम्मी से। और वैसे भी तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मी जहाँ भी लेके जाएंगी मजा ही आएगा, है ना मम्मी? हाँ, और नहीं तो क्या। वैसे तुझे तो सरप्राइज पसंद है ना छोटी, तो फिर क्यों पूछ रही है? आज सिर्फ मम्मी का बर्थडे नहीं है, आज हमारी फैमिली का फैमिली डे भी है। करेक्ट, हमारी छोटी सी परफेक्ट फैमिली का फैमिली डे। परफेक्ट फैमिली। थू थू थू। अच्छा नहीं लग रहा है ना कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अनुपमा और अनुज के बीच में सब कुछ ठीक है। ओ प्लीज, उनके बीच में इश्यूज हो ना हो मुझे क्या, रिश्ता उनका है, वो लोग संभाल लेंगे। वो तो संभाल ही रहे हैं, सिर्फ हमसे ही हमारा रिश्ता संभाला नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारे रिश्ते में कोई ट्रस्ट ही नहीं है। जबकि अनुपमा और अनुज एक दूसरे पर भगवान से भी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए कोई भी तूफान कोई भी गलतफहमी उन्हें अलग नहीं कर पाई। अरे माया क्या, चाहे पूरी दुनिया अपना जोर क्यों ना लगा दे, ये दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ निरुद्ध, हाँ ऑफ कोर्स मैं आ रही हूँ, अब मैं ये चांस मिस नहीं कर सकती। एंड थैंक्स अनिरुद्ध, तुम मेरे लिए इतनी कोशिश कर रहे हो, थैंक यू। हाँ बस मैं निकल ही रही हूँ। ओके सी यू। अरे भाग भाग भाग। थैंक यू मम्मी, बजा कल के गिफ्ट मजे मजे।
अरे अनु के फ्रेंड मतलब मम्मी के फ्रेंड, और बर्थडे तो फ्रेंड्स के साथ ही होता है ना, है कि नहीं, है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन एक काम करते हैं, पहले अंदर जाके केक काटते हैं और फिर उसके बाद और मजा करेंगे। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।